नरसिंहपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री ने बजट को लेकर दी जानकारी। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में बड़ा शावकों का कुनबा, मादा टाइगर ने दिया 3 शावकों को जन्म। उज्जैन में महाकाल की नगरी में बना नया विश्व रिकॉर्ड, 1500 वादकों ने डमरू बजाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। झाबुआ में मंत्री ने एसडीएम कोर्ट का किया लोकार्पण, बढ़ते राजस्व मामलों को देखते हुए बनी कोर्ट। रीवा में पुलिस का नशे के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार, डीजीपी बोले वेल डन रीवा पुलिस। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। सिवनी के लखनादौन विधानसभा के धनसौर में दखनी टोला गांव में वर्षों से ग्रामीण दलदल रोड से परेशान हैं। हद तो तब हो गई जब भारी बारिश में पुलिया टूट गई। परेशान ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां शिकायत की, कहा कि मुख्य सड़क से जोड़ने वाली रोड बरसों से दलदल में तब्दील है, ना तो ग्राम पंचायत ध्यान देती है ना ही अधिकारी। मुख्य सड़क के बीच एक पुलिया थी जो वो भी बरसात में अब टूट गई है। ग्रामीणों का खेती किसानी का काम, बच्चों का स्कूल जाना और कई ऐसे कार्य बंद हो गए हैं जिस कारण सभी ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे। हमारे यहाँ रोड की समस्या है, आने जाने के बच्चे परेशान, हम खुद परेशान, पीने का पानी नहीं है, नदिया से आना जाना कर रहे हैं, रोड ऐसे ही नहीं है, बहुत परेशान है, बच्चे भी परेशान, हम लोग सब परेशान हैं, इस वजह से हम रोड की मांग कर रहे हैं। हम रोड के बाबत से लेकर यहाँ पर आए हैं और आज एसडीओ साहब के पास आए हैं उस आवेदन को देने के लिए कि वहाँ पे जो आने जाने का रास्ता है वो सारा पुल टूट के सारे, मतलब रोड जो है पूरा खराब हो चुका है, वहाँ आने जाने का साधन खत्म हो गया। किसान वहाँ से जो खाद बीज जो है लाने ले जाने में मतलब किसी प्रकार से वहाँ पे सहायक नहीं हो पा रहा है और बहुत दिक्कतें हो रही है वहाँ। लीटर रोड की समस्या है, हमें चाहिए रोड जैसी बने वैसी, सरकार हमें मदद करे, वो नहीं करे तो बता दे कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सक रोड के लिए, तो उसके लिए हमें कोई कार्रवाई चाहिए। देखिए लगातार हम क्षेत्र के संपर्क में हैं और जहाँ जहाँ भी इस टाइप की न्यूज़ आई है कि कहीं रोड टूट गई है या पुल पुलिया टूट गए हैं, तो संबंधित डिपार्टमेंटों को कहा है कि इस पर शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दें और फिलहाल के लिए उसको रिपेयर करें और बाद में फिर अन्य फंड से उसको अच्छे से हम लोग पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे। जो हम ग्राम पंचायत पिपरिया आमक हो रही है दखनी टोला से आए हैं, हमारा रोड का समस्या है, रोड बहुत कीचल हो गई है, पुलिया टूट गई है, तो आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने वाले बच्चों को, बीज खातु लेने में ट्रैक्टर नहीं आ पा रही खेत आने के लिए, और आने जाने में हमें बहुत समस्या बन रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक तरफ सरकार के दावे कि वो विकास के लिए इतना काम करती है, दूसरी तरफ सिवनी की ये तस्वीर जहां मूलभूत जरूरत की सड़क ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस पे बताइए। दिनेश, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बताइए जी। लखनादौन ब्लॉक का एक गांव है धनसौर, धनसौर के अंतर्गत एक दखनी टोला करके गांव है, दखनी टोला की जो सड़क है वो दलदल में पहले तब्दील हो गई थी और अभी वर्तमान में पुलिया टूट गई है, पुलिया टूटने के कारण आवागमन पूरा प्रभावित हो गया है, लोगों को जाने में दिक्कत हो गई, लोग गिर रहे हैं और पानी भरा हुआ है क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, इस कारण से ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, उन्होंने शिकायत किया पर अधिकारी सुन नहीं रहे, जबकि कल मुख्यमंत्री सिवनी के दौरे में थे, यहाँ से होते हुए बालाघाट गए थे और यहाँ देखा जा सकता है कि अधिकारी लोग ग्रामीणों की नहीं सुन रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक ने भी कहा कि हम अधिकारियों से बात करते हैं और हम पूरी नजर बनाए, पर अभी स्थिति ये देख लेंगे कि कोई स्थिति पुलिया सुधार की नहीं हुई, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। दिनेश, क्या कहना है अधिकारियों का कि बार बार शिकायत देने के बाद भी आखिर इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों को?
जी अधिकारियों का शिकायत देना, पर अधिकारी अभी कहा जाए कि अधिकारियों का एकदम शासन चल रहा है शासन के ऊपर जी, और कांग्रेस के विधायक है योगेंद्र सिंह बाबा, और कांग्रेस की विधायक होने का भी यह माना जा सकता है कि कांग्रेस विधायक के कारण उनकी बातें भी सुनी जाती है, उनके क्षेत्र में विकास कार्य रोके जाते हैं, परंतु मूल बात की अधिकारी आवेदन देते हैं, रख देते, आश्वासन देते, पर आश्वासन से काम नहीं होता है, काम होता है केवल जहाँ पर धरातल में अगर स्थिति में देखा जाए तो काम होता है, ग्रामीण पहुंचे, आवेदन दिए, आश्वासन दिए, चले आए, पर अभी भी स्थिति जस्ते तस्ते। दिनेश, एसडीएम के पास अब शिकायत की गई है, क्या कहना है उनका कि कब तक इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा? एसडीएम महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मामले को दिखवाते हैं, बरसात चल रही है, बरसात के बाद कार्रवाई की जाएगी, पर बरसात तक होते तक पूरी दुनिया बह जाएगी और ग्रामीणों को देखकर अगर कोई इस बीच में बीमार पड़ जाता है या कोई स्थिति बिगड़ जाती है तो उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग शहर तक नहीं जा पा रहे हैं, बहुत खराब स्थिति है, पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, बस कागजों में ही पूरे योजना चल रही है। दिनेश, ऐसे में क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं वहां के स्थानीय लोगों का, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक पुल था वो भी अब टूट गया है बारिश के कारण, तो कैसे उनका जीवन चल रहा है, क्या कुछ परेशानियां चल रही हैं उनको? जी, एक ही पुल था जो गांव से कनेक्ट करता था शहर को, जो लखनादोन और घनसर क्षेत्र में जाता था, वो टूट गया है, और अभी वर्तमान में परेशानी इतनी हो रही है कि थोड़ा भी बरसात होती है तो बाढ़ आ जाती है, कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अगर कोई मोटरसाइकिल से जाता है तो वो गिर रहा है, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बुजुर्ग साइकिल से गिर रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है जी। अगर ये माना जाए कि बरसात में उस गांव का शहर से पूरा मूल रूप से उसका जो नाता है टूट गया है जी। ठीक है दिनेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बुरहानपुर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी भव्या मित्तल के निर्देशानुसार आज नगर निगम बुरहानपुर द्वारा शहरी क्षेत्रों में जर्जर शिकस्त हालत के मकानों को हटाने जाने की कार्रवाई की गई। जर्जर भवनों को हटाने के संबंध में कई बार भवन स्वामियों को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन उनके द्वारा भवन नहीं हटाए गए। नगर निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश को देखते हुए जर्जर और खतरनाक भवनों को तोड़ने और हटाने की निरंतर कार्रवाई नगर निगम की अतिक्रमण टीम द्वारा किया जा रहा है। अनुसार सतत जो कार्रवाई की जाती है कि शिकस्त भवनों को हटाया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है। कहाँ पर की गई ये कार्रवाई? अभी तो दो दिन पहले यहाँ पर चंद्रकला में की थी, और अभी सिंधी बस्ती में एक कुरुशादी स्कूल में दो कमरे थे वो हटा के आ रहे, और बस स्टैंड के पास वाले दो बड़े बड़े टॉयलेट थे वो हटाए और ये हटा रहे। ये क्या गुना और सागर में जो घटना हुई उसको लेकर ये उसका असर है? वो तो है ही, पर हमारे यहाँ सतत कार्रवाई चलते रहती है, शिकस्त भवनों को हटाया जाता है। ऐसे और कितने शिकस्त भवन हैं या दीवारें हैं जो गिराना है? इसका सर्वे भी किया जा रहा है, क्योंकि बारिश में आज भले ही मकान अच्छा दिखता है, कल। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अंबिकापुर में श्रम सम्मान की राशि को लेकर संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय के अनियमित कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया है, जिससे यूनिवर्सिटी का काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के कुल सचिव और कुलपति ने अनियमित कर्मचारियों के श्रम सम्मान की मिलने वाली 4,000 की राशि को रोक के रखा है। इन लोगों का कहना है, मैंने रेंसा साहब से कहा भी है, और नियम में जा रहा होगा तो हम 100 बार करेंगे, और नियम में नहीं आ रहा है तो करने की स्थिति। हाँ, बात हुई है और भी बात होगी, और हम तो समझाएंगे, और नियम में है तो हम निश्चित करेंगे, और नियम में नहीं तो मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। हाँ, दिया गया था, उसके बाद जो है फिर पता चला जो हमने किया था वो नियम में नहीं था, इसे रोकना पड़ा। नहीं, वो जो मांग कर रहे हैं, मैं अभी चर्चा भी किया कुलपति महोदय से, वो श्रमिक सम्मान की मांग कर रहे हैं, श्रमिक सम्मान की घोषणा भूपेश बघेल जी ने की थी, वो लेबर के लिए है, सर लोगों ने बताया, पिछले बार भी मेरी ये लोग पिछले बार भी मिले थे, उस समय भी मैं चर्चा किया था, वो लेबर की सम्मान राशि है, न कि किसी कर्मचारी के लिए है। दो महीना बाई मिस्टेक दिए थे, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं नहीं दिया जा रहा है, ये लोग जब मेरे को बताए थे तो मैं कई जगह पता लगवाया था, कहीं नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इनकी मांग जायज है, शासन में अपन मांग करेंगे।
जी, हम लोग पूरे कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आज हम लोग का सांकेतिक हड़ताल है और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम लोग का सर 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि निधि जो शासन ने घोषणा की थी पिछले वर्ष 2023 में, हम उसी मांग को लेकर के हमको क्या हुआ, फर्स्ट में 2 महीना दिया गया, उसके बाद अचानक से ये बंद कर दिए। बंद करने का कोई आदेश शासन से नहीं आया और न किसी प्रकार का कोई और भी कुछ कागज आया, लेकिन ये लोग अपने मनमाने ढंग से कुलपति और रजिस्ट्रार महोदय बंद कर दिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। महादेवगढ़ में मंदिर परिवार द्वारा अखंड भारत के साथ इस बार अग्निवीरों के समर्थन में जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा ने नगर में प्रवेश किया। इस दौरान हर हर महादेव के साथ ही देशभक्ति को प्यार है। बता दें कि ये नारा लगाया गया, अग्निवीर हमारा है का जय घोष भी नगर भ्रमण के दौरान चलता रहा और शहर से 4 किलोमीटर का सफर तय करने में कांवड़ियों को काफी समय लग गया। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया, वहीं पुलिस भी तैनात रही। कांवड़ियों ने महादेवगढ़ में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया। सोमवार सुबह कांवड़ यात्रा अमित जैन के नेतृत्व में यात्रा आयोजक संकेत जोशी और यात्रा सह संयोजक कुश पालीवाल सहित सैकड़ों कांवड़ियों के साथ इंदौर नाका से प्रारंभ हुई। कांवड़ पूजन पंडित अश्विनी खड़े ने कराया। सरगुजा जिले के लखनपुर में वार्ड क्रमांक 10 में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर आयोजित किया गया, जिसकी नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा सूचना दिया गया। शिविर में राशन कार्ड के संबंध में 6 आवेदन आए, जिनका तुरंत कार्ड बनाकर वितरण किया गया। जो भी समस्या आई उन पर उचित कार्रवाई की गई। तीन चार लोगों को राशन कार्ड मिला सर, और उन लोग बोले कि बहुत अच्छा है, तो हम मेरे को भी पूछे तो मैं बोली कि भाई बहुत अच्छा लगा, तो सरकार के प्रति आपको कैसा लगा, तो बोली जो भी हम लोग तो समाज सेवा वाली हैं तो हम लोग तो करेंगे ही, हम लोग को अच्छा लगा भाई इतने दिन से अब राशन कार्ड बढ़िया फ्री वाला मिल गया तो ये हुआ, और किसी किसी का जो नहीं बना है वो भी बन जाएगा ऐसे बोले बस। जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं बना था उनको राशन कार्ड दिए हैं तत्काल बनवा के, और शौचालय का जिसका नहीं है उसका आवेदन काफ़ी आया है, बहुत झंड का में शौचालय पीडीएफ होने के बाद उनका शौचालय नहीं बन पाया था, उनका भी आवेदन आया है यहाँ पे। गंदगी कोई तालाब में नहीं है, सब तालाब साफ किया हुआ है, अभी जो पानी नहीं गिरने के कारण सब में घास सूख गया है। राशन कार्ड वगैरह आ रहा है उसका तुरंत निरीकरण करके दे रहे हैं, है ना, जो भी काम आ रहा है उसे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और तुरंत रेडी करवा रहे हैं। अलीराजपुर से एक मामला सामने आया है, जहां विधायक सेना महेश पटेल ने ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करके धरना प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में शराब ठेकेदार द्वारा गांव के फलियों तक अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, जबकि सरकार के ने एक ही स्थान पर बेचने का आदेश दिया है। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग और करोड़ों रुपयों की लागत से पेयजल योजना बंद है, इस दौरान शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए जिले को आतंक से मुक्त कराने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। देखिए आज जिस तरह से हमने ये ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में हमने हमारे जिले की जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी पॉइंट टू पॉइंट लिख कर दी है हमने, जैसे कि हमारे जिले में आज की तारीख में शराब माफिया बेखौफ बंदूकें चला रहे हैं। मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, क्या इनको जो लाइसेंस प्राप्त हुआ है वो शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त हुआ या हर जिले में हर खलियों में हथियारबंद घूमना और बंदूक चलाने का लाइसेंस मिला है, एक तो मेरा मेन पॉइंट ये है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, हमारे जिले में जिस तरह से स्वास्थ्य का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, अगर कोई बीमार भी होता है मरीज तो उसको तत्काल रेफर गुजरात किया जाता है, दावत किया जाता है, तो क्या कारण है कि हमारे जिले में ये व्यवस्था नहीं दे पा रही सरकार।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। खबर अंबिकापुर से है, जहां गंगापुर में अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर विधायक राजेश अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में गंगापुर स्थित शराब दुकान को हटा दिया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को इस निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल गंगापुर शराब दुकान को रियासी इलाके में खोल दिया गया है, जिसके कारण वार्ड वासियों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन शराबियों के साथ वार्ड वासियों का विवाद होता रहता है, जिसको लेकर सालों से वार्ड वासी शराब की दुकान को हटाने की मांग कर रहे हैं। उससे उसके पूरी प्रक्रिया हो गई है, टेंडर भी हो गया है और बहुत जल्दी उसका नया दुकान बन जाएगा। मेरे को लग रहा है 2 महीने के अंदर हर हालत में वो वहाँ से हटेगी। मैं एकदम कड़े निर्देश दिया हूँ इसके बारे में और निश्चित रूप से 2 महीने के अंदर वहाँ से गंगापुर से वो शराब दुकान हटेगी। वहाँ के लोगों की जो बहुत बड़ी समस्या है वो मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री तोमर सिंह ने बिजली अधिकारियों को सचेत किया कि मेंटेनेंस प्रभावी ढंग से किया जाए, ताकि ट्रिपिंग कम से कम हो और फॉल्ट की गुंजाइश ना रहे। उन्होंने ग्वालियर शहर में निर्माणाधीन 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की समीक्षा की और आशा व्यक्त की कि इस उपकेंद्र का काम जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने उद्योगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस अवसर पर ग्वालियर चंबल संभाग की विद्युत वितरण व्यवस्था को लेकर 90 दिन की कार्ययोजना, 5 वर्ष की कार्ययोजना और सकल वाणिज्यिक और तकनीकी हानियां और इसके साथ ही राजस्व वसूली के प्रयासों की समीक्षा भी की। देश के यशस्वी कानून की कामना करते हैं। माननीय डॉक्टर लाल यादव जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग हमारी सरकार के साथ चाहे कि जो कमी है, अपनी शिकायत है वो वहाँ हमारी सरकार उनके दरवाजे तक जाए, सुने, उसका समाधान करे। यही सरकार का कर्तव्य होता है। बहुत खंडवा के ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में सावन महीने में 1.5 लाख श्रद्धालु और ज्योतिर्लिंग भगवान और ममलेश्वर महादेव की तीसरी महासवारी निकाली गई। इस दौरान महासवारी और भी कई घाटों से होते हुए कोटी तीर्थ घाट पहुंचे, जहां पर भगवान भोलेनाथ का महाजलाभिषेक किया गया। आपको बता दें कि इसके अलावा स्थानीय भक्त और पंडित पुजारी महासवारी में शामिल होते हुए झूमते गाते ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए। प्रशासन ने लाखों की संख्या में भक्तों को देखते हुए दर्शन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच